चलिए अब जो है रूल ऑफ थंब से हम हार्ट एक्सिस को फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो देखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक ईसीजी पे भी ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर उससे यह है कि आपको पता चल जाएगा। ये दिस इज मोस्ट इजिएस्ट मेथड, तो इसलिए ये है कि मतलब आपको जो है मतलब किसी भी लेवल पे आप हैं तो वो आपको ये हार्ट एक्सिस फाइंड आउट करने में मुसीबत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप इसमें जो दो लीड्स हमने देखनी होती हैं रूल ऑफ थंब को यूज करने के लिए और हार्ट एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा कोई और कलर यूज करते हैं। अच्छा, उसमें जो है ये लीड वन हमने फोकस करनी है और लीड जो है AVF। ठीक है, तो अब लीड वन जो है आपने इमेजिन करना है कि ये जो आपका लेफ्ट जो थंब है ये लीड वन है। ठीक है, ये यू, और जो AVF है वो आपका जो है लीड, आपका जो राइट थंब है वो लीड AVF है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से। अच्छा, अब जैसे लीड वन में जो है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस अप हैं और लीड AVF में भी जो है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस अप हैं, यानी टू थम्स अप। ठीक है, यूं, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एक्सेस है। वाई नॉर्मल वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये भी डायग्राम बनी हुई है। क्योंकि देखिए हार्ट एक्सेस हमने कहा कि ये तकरीबन को 45 डिग्री है, अब 0 और 90 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि लीड वन और AVF जो है दोनों में जो है ना वो सेम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन आ रही है। हार्ट एक्सिस जो है वो इसके मतलब 45 डिग्री पे मौजूद है, तो इसलिए जो है यानी इन दोनों में जो है वो सेम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन है जो कि पॉजिटिव है, और दोनों थम्स अप यानी फॉर लीड वन एंड लीड AVF थम्स अप है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर फॉर एग्जाम्पल अब एक कोई मतलब एक ECG आती है जिसमें जो है लीड वन में जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट थंब डाउन चला गया और AVF जो है उसमें जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, तो आपका राइट जो थंब है ये अप चला गया, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट में जो है राइट एक्सिस डिविएशन आ चुकी है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट थंब है, तो यानी लीड वन अप उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आई QRS कॉम्प्लेक्सेस की, जबकि जो लीड AVF है उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रही है QRS कॉम्प्लेक्सेस की, मतलब कि वो जो है लाइन से वो नीचे करके जो है ना वो QRS कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन मौजूद है, और इसमें जो है लाइन से ऊपर जो है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस की मौजूद है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट थंब अप है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। अच्छा, अगर कभी ऐसे आए कि दोनों ही थंब नीचे आ रहे हैं, यानी लीड वन में भी जो है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस डाउनवर्ड हैं, यानी उनकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रही है, और लीड AVF में भी जो है वो भी जो है डाउन आ रहे हैं, यानी उसमें भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रही है, तो फिर ये जाहिर है ये बहुत सीरियस सिचुएशन होती है, तो इसमें आप फिर कह देते हो कि भाई इसमें जो है हम डिटर्मिन नहीं कर सकते या हम नहीं जान सकते कि इसमें जो है वो जो है एक्सिस हार्ट का क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा एमरजेंसी सिचुएशन यूजली होती है। तो अब एक ECG पे हम ना हार्ट एक्सिस को फाइंड आउट करने का तरीका देखते हैं और ये वाला रूल ऑफ थंब अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर राइट एक्सिस जो है हार्ट में क्यों हो रही होती है और लेफ्ट एक्सिस जो है हार्ट में क्यों हो रही होती है। उसमें देखें कि अब हमने जैसे नॉर्मल हमने देखा कि ये जो है हमारे हार्ट में जो ब्लड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो था वो यूं था। ठीक है, तो अब अगर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जो लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल है वो किसी वजह से कि जैसे अब मतलब वेंट्रिकल्स को अगर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स को, तो फिर वो क्या होता है उधर मसल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, यानी जिसको आप कहते हैं कि जी हार्ट जो है वो आपका बड़ा हो गया है, हार्ट एनलार्जमेंट हो गई है, तो ये आपकी लेफ्ट साइड जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस सूरत में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो ज़्यादा उस तरफ ज़रा फ्लो करेगी, तो फिर क्या होगा कि इस सूरत में जो है आपका हार्ट का जो एक्सिस है वो थोड़ा लेफ्ट तरफ चला जाएगा, यानी जाहिर है अब इलेक्ट्रिसिटी उस तरफ ज्यादा जा रही है ना, जहां पे मसल मास ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो फिर ये आपका हार्ट एक्सिस जो है ना ये फिर हम कहते हैं कि ये लेफ्ट एक्सिस हो चुका है डेविएशन इस तरह। अच्छा, इसी तरह अगर राइट साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें जैसे अब वो भी एनलार्ज हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे ये बड़ा सा हो चुका है, तो फिर क्या होगा कि एक्सिस जो है वो इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये है, तो फिर हम इसे कह देंगे कि ओहो ये राइट एक्सिस है डेविएशन।
अब ज़ाहिर है वो अब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट जो है वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो है वो लेफ्ट एक्सिस किसी में हो जाता है, किसी में राइट एक्सिस हो जाता है, तो मतलब नॉर्मल जो है वो, तो बाज़ का ये भी कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा जो है थोड़ा सा कभी किसी के थोड़ा सा लेफ्ट एक्सिस हो तो कोई इतना परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन ये है कि मतलब ये है कि नॉर्मल एक्सिस जो होता है वो फिर मतलब ऐसे होता है, जो अगर डिविएशन हो तो फिर अगर वो भी डिपेंड करता है कि बाकी जो उसके दिल की हालत है वो क्या है, तो उसके मुताबिक जो है फिर वो डॉक्टर्स जो है वो फिर आपको जो है सजेस्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा चलिए अब एक ईसीजी पे देखते हैं कि एक्सेस कैसे फाइंड आउट करें। अच्छा इस ईसीजी में जैसे आपको नजर आ रहा है लीड वन और एवीएफ आप देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें देखें लीड वन जो है वो अब नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की, यानी ये थम्स डाउन, ठीक है, लेफ्ट थम डाउन लीड वन में है, और जो लीड एवीएफ है उसमें जो है आप देख सकते हो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो अप है, तो इसका मतलब है कि राइट जो है थम अप, तो इसका मतलब है कि ये जो है राइट एक्सिस डेविएशन इस पर्टिकुलर पर्सन में जो है हो रही है। तो इस ईसीजी में जो है आपने देखी राइट एक्सिस डेविएशन, वन जो थी वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस डाउन और एवीएस में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस अप, ठीक है जी।